लेकिन टू वीक्स में हम लॉन्च कर रहे हैं और साइड पे हम देख रहे हैं जो यूज कर रहे हैं सितंबर इतना थिएटर क्योंकि अक्टूबर में दिवाली आ रही है तो परेशानी हो रही है आपको थिएटर बड़ी परेशानी तो हो रही है पर हमें लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कोऑपरेट कर रहे हैं और दिवाली पे मिल रहे हैं सिनेमा हॉल्स एंड वी आर वेरी पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द इंजीनियर अबाउट दिवाली हम इसको रिलीज कर तो कौन से टारगेट आप सिटी टियर 2 टियर 3 से हां एकदम पिक्स क्या कर रहे हैं और स्टेट वाइज आते हैं नॉर्थ इंडिया पूरा देख रहे हैं ऑफ कोर्स ये सब नॉर्थ इंडिया का तो पंजाबी तो पूरा बेल्ट हमने कवर कर दिया कुछ पार्ट ऑफ एमपीज एंड साउथ में कलकत्ता यस वी हैव रीजंस क्योंकि पिक्चर बहुत अच्छी है तो मुझे लगता है लोगों को पसंद है ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या है आपका आफ्टर लीविंग दी थिएटर ओटीटी पे हम जरूर जाएंगे क्योंकि ओटीटी की रीच बहुत अच्छी है क्रिकेट में बस में बैठो कहीं बैठो तो ट्रैवल इट्स अ गुड टाइम पास तो लोग ओटीटी देखते हैं तो बात हुई आपके Amazon, Netflix या किसी से हाँ बात में अंदर भाई तो हम बात कर रहे हैं तीन चार OTT से हम टच में एंड लेट्स सी कि बेसिकली कौन पिक्चर को अच्छे से प्रमोट कर पाएगा मैं जरूर जरूर वो बट डील हो जाता है लेट यू नो व्हाट्स अप ओके थैंक यू और इन सब ने परफॉर्म किया उसके अंदर ये हमारी ये है शिवांग सैफ शौकी राज रिया खुशबू अपना नैना दिव्या दिव्या शी इज आल्सो मतलब इनका भी अभी एक गाना है साउथ में अभी लेटेस्ट ही है के बारे में बोल रहा हां लेटेस्ट अभी गाना है दो लाइनें ये भी बोलेंगी दिव्या थोड़ी शाय है पर लगती है वो बोलते हुए नहीं है दिव्या थोड़ी शाय है लगती है शायद हमें क्या क्या करना है तो वो इतना हैबिट बन चुकी है हमें आप जैसे अभी पूछ रहे थे मैं खड़ी थी कि इतने सारे लोगों को मैनेज करना आई हूँ तो अब मतलब पहले शुरू में शायद लगता था कि हाँ बड़ा काम है पर अब मुझे लगता है कि काफी आसान हो गया है क्योंकि करते करते आ जाता है और अगर आप बता सके कि आपने साउथ की एक फिल्म में किया है तो कैसा रहा एक्सपीरियंस वो बताइए अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था मूवी मतलब भोजपुरी भी बताओ जो भोजपुरी सारी मूवी हां सारी मतलब जो आपने गाना नहीं मूवी बट आपने सॉन्ग किया है किसके साथ किया कितने डांसर्स थे किरण अब्बा वरम के साथ अभी एक नया गाना आया है लिरिकल उसका हो गया 9th को मूवी आ रही है और एक्सपीरियंस काफी अच्छा था बहुत सारे लोग थे रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुआ और इन्होंने भोजपुरी भी किया है डायलॉग बोल के दिखा दीजिए ना भोजपुरी में बिल्कुल इनका गाना दोनों अपने गाने वो सुने होंगे लोग खेसारी लाल और पवन सिंह दोनों आपस में आपको पता है कितने दोस्त बहुत अच्छे है ना तो वो उनके साथ में दोनों के साथ में इन्होंने गाना कर खेसारी में क्या डिफरेंट लगा दोनों में काम दोनों दोनों अच्छे दोनों बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही एक्सपीरियंस है मतलब दोनों के साथ मेरा अलग अलग ही मतलब एक्सपीरियंस रहा है खेसारी जी बहुत ज्यादा चुलबुले काइंड ऑफ है और पवन सिंह उतने ही सीरियस और उतने ही कॉन्फिडेंट है तो दोनों का जो मतलब जो स्क्रीन लुक है अमेजिंग है अपनी जगह तो दोनों के साथ बहुत मजा आया किसके साथ काम किया था पहले मैंने सबसे पहले भोजपुरी में खेसारी जी के साथ दो घुट का सॉन्ग किया था दो घुट का जो वर्जन था वो मैंने किया तो मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत प्यार मिला बहुत लोगों ने मुझे प्यार दिया लोग वेट भी कर रहे थे मेरा खेसारी जी के साथ दूसरा गाना कब आने वाला है तो मैंने उसके बाद एक सॉन्ग और शूट किया तो सॉन्ग का नाम है पारो तो मोस्ट प्रॉब्ली वो कल सुबह रिलीज हो रहा है या एक दो दिन में रिलीज हो रहा है देन मुझे पवन सिंह के सॉन्ग का ऑफर आया तो वो सॉन्ग भी डिफरेंट लेवल का है तो दोनों का मतलब जो लेवल है जो पवन सिंह का जो सॉन्ग है जो आने वाला है वो सर ने डायरेक्ट किया है तो जैसे कि सर ने बताया वो अभी तक का भोजपुरी का काफी बड़ा गाना होने वाला है तो पवन सिंह से कुछ आपने खेसारी के बारे में बात की
ससुर का किरदार कपिल शर्मा, हम सेट पर ही थे भाभी जी के, तो मुकेश छावड़ा जी कास्टिंग कर रहे थे उसकी, तो वहाँ से कॉल आया, इत्तेफाक से मैंने अटेंड किया। अटेंड करने के बाद ठीक है बोले सलीम आप जो हैं कपिल शर्मा, कपिल की ससुर का किरदार है ऑडिशन के लिए। तो मैंने कहा यार उनको बताया मैंने, मैंने कहा आप ही टाइप करो क्या कहना है, तो इन्होंने बाकायदा टाइप करा कि हाँ नेक्स्ट डे मैं आता हूँ। तो ऑडिशन देने गया मैं, आपकी दुआओं से सेलेक्ट हुआ, गुर्दे छील दिया तुम्हारे भाई ने टिल्लो भैया ने ससुर के किरदार के लिए। वहाँ से फिर कॉल आया इत्तेफाक से, वो भी टाइम यही था कि यहाँ शाम में बैठे थे हम, कि सलीम जी आप शॉर्टलिस्ट हो गए ससुर के लिए, प्रोडक्शन से मीटिंग कर ली क्या लेना है क्या देना है। इत्तेफाक से वो जो डेट बताई थी वो थी 10 मुहर्रम आशूर की। तो मैंने कहा उस दिन ये हमने अपनी जिंदगी में अपने आप से वादा कर रखा है कि 10 तारीख को ना काम करेंगे ना ऑडिशन करेंगे, क्योंकि गम का महीना होता है, इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम आप 10 की मतलब 13 को मिल जाएगा 2 दिन के बाद। तो वो बात तो बात हो गई, इश्तियाक भाई और हम शॉर्टलिस्ट हुए थे, अब वो ससुर का किरदार कर रहे हैं। तो ये कुछ रहा, लेकिन मैं इससे मतलब गिला शिकवा कोई नहीं, क्योंकि मेरा सुकून ये है कि किसी की नजरों में तो है, बुलाया तो है, आज नहीं तो कल ससुर के उनके बाप भी बन जाएंगे। अब भाभी जी के अभी 2000 शायद एपिसोड होने वाले हैं, तो किस तरह से सेलिब्रेट हो, कितनी खुशी। आपको मिठाई पे बुलाएंगे, खाने पे बुलाएंगे इंशाल्लाह। 2000 एपिसोड इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को इनविटेशन आने वाला है, और बहुत खुशी की बात है कि 2015 से शो चल रहा है और आप लोगों की ब्लेस है कि लगातार चल रहा है। और इस टाइम आपको बताना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड के टॉप 7 है उनमें से हमारे भाभी जी घर पर है का नाम है कॉमेडी शो, इसके लिए ताली बजाइए बढ़िया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सर्वे हुआ है उसमें है ये क्या बात। और जी ये जो फिल्म का जो टाइटल है जी इतना कितना जस्टिस किया स्टोरी के साथ, बहुत बढ़िया किया है आप ये अच्छे से बता सकते हैं। बिल्कुल कसम खा के कह रहा हूँ, जग्गू ने जो लालटेन पकड़ी है उसकी रोशनी से सूरज बन गया, और सूरज इतना चमका कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबके गुर्दे छील लेंगे। सलीम भाई भोजपुरी फिल्म कब कर रहे हो? जब ही मौका देंगे। भोजपुरी मैं भोजपुरी नहीं, मैं रामपुरी हूँ। सलीम सर के साथ गाने पार्टनर ये थी, मुझे पहचान भी नहीं आ रही। तो भोजपुरी अभी तक उधर सोचा नहीं है माशाल्लाह से, मैं अभी क्या बताऊं, अभी एक कोई डायलॉग बोल सकते हो भोजपुरी में जो पहुंचा दूं वहां तक। भोजपुरी में मैं क्या बोलूं, हाय दैया लड्डू के भैया हम से क्या बात कर रहा हूं। तो भोजपुरी की तरफ इरादा नहीं है इंशाल्लाह। देखते हो भोजपुरी फिल्में? देखी है, रवि किशन साहब को देखा है। इतनी तारीफ कर रही है पवन सिंह की खेसारी, अभी अभी नहीं देखी मैंने, इतना कुछ नहीं, पिक्चर तो हमने भी नहीं देखी। हाँ डायरेक्शन कर लिया क्या तैयारी है फिल्म के रिलीज को लेकर? विजुअल प्रमोशन विल स्टार्ट वेरी सून, एक हफ्ते बाद हम शुरू कर देंगे टीम के साथ, हमारी ऑलमोस्ट टीम हो गई है। और आखिर में आप सबके लिए कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे पापा कहा करते थे बेटा जैसे एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे एक कामयाब एक्टर के पीछे मीडिया का हाथ होता है। आप सब साथ में रहिएगा, कसम खा के कह रही हूं बॉलीवुड में झंडे गाड़ दूंगा। बोलने वाले औरत का हाथ होता है, कौन सी औरत? हर आदमी के पीछे हर एक औरत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात।